हितेश ज्वेलर्स, भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना चांदी डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक आपका KDH राजस्थान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, घोड़ों के बहुत जगह पर मेले होते हैं और एक प्रसिद्ध मेला, एक खास मेला आज आपको दिखाता हूं, जो खास समर्पित है सिंधी घोड़ों को और सिंधी घोड़े जो कि प्रसिद्ध हैं अपनी ज़बरदस्त रेस के लिए। तो ये है जैसलमेर से तनोट माता रोड पर स्थित ला हनेड़ा रण का दृश्य, जहां पर इस वक्त मेला चल रहा है सिंधी घोड़ों का। और यहां पर सिंधी घोड़ों में जो रेस के घोड़े हैं या और कौन कौन से घोड़े आए हैं, व्यापारी लोग भी यहां पर हैं, ख़रीदार भी हैं, थोड़ी मेले की जानकारी आप तक लेकर के आते हैं और क्या खासियत होती है सिंधी घोड़ों की, वो भी हम जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम, क्या? बशीर राजर देरा सर। तो ये घोड़े लेके आए हैं या क्या खरीदने हैं? घोड़े लेके आए हैं। आप घोड़े बेच रहे हैं? यहाँ बेचना नहीं है, रेस के लिए तैयारी में। अच्छा, रेस के लिए घोड़े लेके? जी। घोड़े यहाँ पे बेचते नहीं हो आप? बेचने के लिए नहीं, कोई बेचता है कोई नहीं बेचता है। अच्छा, सभी तरह के? हाँ, हम तो हमारा शौक पूरा करने आए। अच्छा, तो आप घोड़े दौड़ाते हो? जी। ये क्या आपका घोड़ा है क्या? हमारा ये घोड़ा है, बाकी अंदर घोड़े हैं। अच्छा अच्छा, ये रेस का घोड़ा है? ये रेस का घोड़ा है। मेरा नाम मोहम्मद खान, तामलियार गाँव है, और इसका राइडर का नाम है बशीर खान, और ये घोड़ी है अपने अहमदाबाद की। अहमदाबाद? हाँ, अहमदाबाद। गुजरात की गांगड़ गांव। अच्छा। बराबर। अच्छा। तो अशरफ खान और चाचा इधर आओ। हाँ। ये चाचा इनकी घोड़ी की खिदमत करता है। ये सिंधी नस्ल की है, कई बार विनर हो चुकी है कच्छ के अंदर, छोटे रेवाल में। हाँ। ठीक है, सूरत, कच्छ और सूरत में भी एक मरतब विनर हो चुकी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी भी लाए हैं ये लोग। तो वहाँ अहमदाबाद से आप यहाँ पर रेस के लिए लाए? हाँ, रेस के लिए लाए, स्पेशल रेस के लिए। स्पेशल रेस के लिए? अच्छा, यहाँ पे इसको जैसे कोई बेचने खरीदने का मतलब? नहीं, कोई बेचने का नहीं। इनकी उम्र है 4 वर्ष। अच्छा, ठीक है। इनकी जन्मभूमि है अपने जालौर जिले की, यहाँ राजस्थान की। ठीक है, और कांगड़ की घोड़ी है, कांगड़ की। और दूसरा घोड़ा है वो बड़ी रेस का भी है, वो इधर पास में खड़ा है। ये दो जानवर यहाँ लेके आए हैं, जो अशरफ खान करके है, वो अहमदाबाद का। ये जैसे घोड़े जो बेचते होंगे तो इनकी क्या प्राइस होती होगी? अब देखो, ये अनमोल चीज़ है, अभी इनका कोई पता नहीं है कि 11 लाख से लगा के और 50 लाख तक भी लोग खरीद सकते हैं ये। अभी जैसे हिसाब से रेट तय होती है? रेट तो पसंद की बात, कोई अनमोल चीज़ है ये, रेसिंग मोल जैसे तय होता है, कोई 10 की, कोई 5 की, कोई 50 की, क्यों वो तो चलने पे है सर। देखो, सिंधी जानवर है, वो सिंधी जानवर चलने में मजबूत है और चालबाज में, उसमें रेवाल, ये वारा रेवाल चलती है। तो ये घोड़ी अभी 4 वर्ष की हुई है और 1 साल के बाद में बड़ी रेस की होगी। ठीक है, तो देखो ये घोड़ी 40 की स्पीड पकड़ेगी तो बड़ी रेस की हो जाएगी। फिर इनका किरोड़ भी देवे। रेवाल की क्या स्पीड होती है? रेवाल की 40, 41 से पार नहीं होती। अच्छा, उससे ऊपर तो गैलप में जो भगाते हैं। अच्छा। जैसे वो अपने यहाँ सिराड़ा बोलते हैं और अमुक लोग गुजरात में उनको गैलप बोलते हैं, तो वो गैलप की होती है, वो तो स्पीड कर जाता है 50 और 60। और ये देखिए, खूबसूरत सिंधी नस्ल के घोड़े, और ये देखिए रेस के लिए लेकर के आए हैं और तैयारी कर रखी है अभी इस रेस में, ये दौड़ने के लिए मज़ा ले रहा है, दौड़ लगा रहा है और तैयारी कर रहा है। इस तरह के दृश्य यहाँ इस रण में आप कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि एक विशाल क्षेत्र है ये जहाँ पर घोड़ों की रेस की जा सकती है। चारों तरफ धोरों वाली धरती, रेगिस्तानी धरती के बीच में ये एक समतल और समतल ज़मीन का एक क्षेत्र। और ये देखिए, छोटा सा बच्चा घोड़ा लेकर के आया है, क्या नाम है बेटा? माधव। माधव, तुम घोड़ी लेके आए हो? घोड़ा है। घोड़ा लेके आए हो? पापा लेके आए। अच्छा, पापा लेके आए हैं क्या? मैं देखिए, तुम यार इतने से और इतना बड़ा घोड़ा लेके आए हो? मैं तो मेला घूमने आया था। अच्छा, मेला घूमने आए हो, तो घोड़े से खेलते हो तुम साथ में? हाँ। घोड़े से डर नहीं लगता? उसके ऊपर बैठ के चलाते हो घोड़ा? बच्चा है अभी। अभी बच्चा है? हाँ। तू बड़ा हो गया क्या? मैं खुद बच्चा हूँ। अच्छा, दोनों बच्चे हो भी। दोनों बड़े हो जाएंगे फिर साथ में दौड़ेंगे। हाँ। क्या नाम है जी? इसका? हाँ। ये चेतक का बच्चा है, सुथार नस्ल का है। अच्छा। जो जैसलमेर का मतलब सुथार टाकी का वो बोलते है ना, वो बच्चा है, उसका बच्चे का मतलब चाचा का लड़का है।
और ये यहाँ पर आप लेकर के आए हो तो क्या बेचने के हिसाब से लाए हो क्या है? नहीं, बेचने का नहीं, इसका मतलब लोगों ने बोल दिया, दाम लगाया है 15 लाख, अपने वो मालिक मना कर रहा है। हमारे यहाँ के दिलीप बाबू है और वो पद्म बाबू का ये घोड़े का बच्चा है, घोड़े का, तो ये बेचने के लिए नहीं लिखा है। बेचने के लिए नहीं लाए हो तो यहाँ फिर मेले में घुमाने लाए हो? हाँ, अच्छा, ऐसे दौड़ लगाएगा? नहीं यहाँ दौड़ नहीं, घुमाने के लिए, जी, दिखाने के लिए, इसका मतलब कोई पार्टी 3-4, 6-7 पार्टी आई थी, उन्होंने दिया नहीं कि हमारे को बेचना नहीं। मतलब आपको, आप कह रहे हो 15 लाख में भी नहीं देना, तो यानी आप कीमत, आप इसकी ज़्यादा सोच रहे हैं? कीमत नहीं, हमारे ये मतलब पद्म भाव की 25 लाख बोल, 25 लाख, 25 लाख बोल रहे आप, मालिक बोलते? अच्छा, मालिक 25 लाख। हाँ, इसका जो बाप था ना, वो बाप मतलब उसका, इसलिए वो रखेंगे कि हम 25-30 लाख रुपए, उनका पैसों का कोई ऐसा नहीं है कि पैसे वगैरह वो के हमने को रखना ही रखना, पैसे है, पैसे की जरूरत नहीं है हमारे को, पैसा नहीं है, बड़ा अच्छा रखना। ये छोटी रेवाल का बच्चा है, 2 दांत, ठीक है, ये बशीर भाई का, बराबर, ये बाड़मेर जिले में देरासर गांव का है, बराबर, अभी ये दांत का यानी बच्चा ही है? हाँ, बच्चा ही है, अभी ये हुआ है 3 वर्ष का, ठीक है, अभी भी चलता है 35-36 चलता है, और रेस के लिए लेके आए हैं, लेकिन रेस में अभी तक ये कच्चा बच्चा है, अभी देखो आइंदी साल लड़ेगा रेस। और यह ख़ानदान में प्योर नस्ल सिंधी, और बाल भमरी से इनमें से कोई खामी नहीं, पूरे मेले में इस साइज का बच्चा पहला है, मतलब ऐसा खूबसूरत और चलने में, और दूसरा जो बाल भमरी बोलते हैं ना कि भाई ये साफ सुथरा, हाँ ये सब साफ सुथरा बच्चा, हाँ ये मतलब साफ सुथरा बच्चा ऐसा मेले के अंदर पहला नंबर है। और ये देखिए, और खूबसूरत सिंधी नस्ल के घोड़े यहाँ मेले में आए हुए हैं, और ये मेला स्पेशली सिंधी नस्ल के घोड़ों के लिए यहाँ पर लगता है। और ये देखिए, और खूबसूरत अपना घोड़ा लेकर घूम रहे हैं, और ये देखिए खूबसूरत घोड़ों के साथ यहाँ पर घोड़े जो मालिक हैं वो अपने घोड़े लेकर पहुँचे हुए हैं, और वहीं इन घोड़ों को देखने के लिए, खरीदने के लिए, निहारने के लिए भी भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं। ये देखिए खूबसूरत घोड़े एक के बाद एक यहाँ पर खड़े हैं, ये है प्योर सिंधी नस्ल के खूबसूरत घोड़े। नमस्कार जी। नमस्कार, शुभ नाम बताइए। मेरा नाम रूप सिंह नाम। रूप सिंह जी, आप तो रेस में भाग लेते? बिल्कुल बिल्कुल, आई साल 2 साल से अपना वो चैंपियन घोड़ा बाज है, 2 साल से चैंपियन जो रहा था वो घोड़ा बाज है, वो पीछे क्या नाम है? बाज। और ये जो अब आप हर साल जैसे घोड़े लेके आते हैं तो रेस के लिए लाते हैं केवल? और सिर्फ रेस के लिए। अच्छा। और कोई व्यापार हमारा नहीं है। हाँ। खाली घोड़ों को रेस करें शौक के लिए। अच्छा, तो यहाँ वो आपका स्टड फार्म जैसे कहाँ पर है? वो बाड़मेर में खारा गांव करके है मेरा। हाँ। खारा राठौड़ा करके वहाँ पे मेरा घोड़ों का फार्म वगैरह है। घोड़ों का फार्म वहाँ पर है, और वहाँ से यहाँ सिर्फ या और भी मेलों में जाते होंगे? हाँ, हर जगह जाते हैं वैसे, बालोतरा है, अभी सूरत गया था, वहाँ जीत के आया है, और जहीं भी छोटी मोटी रेसें होती है तो जाता है। यहाँ अभी कितने घोड़े लाए? अभी मैं 2 घोड़े लाया हूँ। 2 घोड़े जी। वो बाज है। और ये? ये श्याम करके है, अभी नया बच्चा, अभी ये 27 महीने का है। अच्छा, अभी दो दांत अभी किया नहीं है, अभी उड़नते हैं, और अभी इसको रेस में आज डालेंगे पहली बार, इसलिए लाए हैं। ये ट्रेनिंग शुरू होगी इसकी? इसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। तो आज वो भी दौड़ेगा क्या? वो भी दौड़ेगा। हाँ। वो बड़ी रेस में, ये छोटी रेस। तो आप ये बेचते नहीं हो बड़े? नहीं बेचते, बेचने का बिल्कुल, हमारे हम घोड़ों का व्यापार से नफरत करते हैं। ये तो ये लाए थे जब, ये कहीं से तो लाए होंगे? नहीं, आपके घर का बच्चा ही है? नहीं, मैंने यहाँ से लिया था, जैसलमेर से। तो ये एक चीज बताएंगे, आप रेस के बारे में आप ज्यादा जानते हैं, तो सिंधी जैसे नस्ल को रेस में ज्यादा बेटर क्यों मानते हैं? भाई सिंधी जो रेवाल चाल है ना अपनी, इसमें ये सिंधी घोड़े ही सक्सेस है इस रेवाल में। खूबसूरत लंबे चौड़े तो मारवाड़ी घोड़े, मारवाड़ी खूबसूरत है, पर मारवाड़ी घोड़े रेवाल चाल में नहीं होते, वो दिखावे में खूबसूरत है। बाकी मारवाड़ी घोड़े पुराने समय में जो लड़ाइयाँ वगैरह होती थी उसमें ज़्यादातर मारवाड़ी घोड़े ही चलते थे, ठीक है। और अभी ये सिंधी घोड़े रेवाल चाल में सिंधी के पास ही, मतलब ये इनकी खानदानी चाल सिंधी की, घोड़ों की रेवाल चाल, ये इनकी खानदानी चाल है। और तबड़के में जो गैलप वाला है ना, वो मारवाड़ी घोड़े ठीक है। और ये देखिए एक इधर भी खूबसूरत घोड़े लेकर के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप लोग कहाँ से हैं जी सर? बड़ौदा, गुजरात। कहाँ पर है? गुजरात।
गुजरात से आप आए हो, ये कितने चार घोड़े लाए? चार घोड़े। चार घोड़े लेकर के आए तो यहाँ रेस के लिए या सेल पर्पज? क्या रेस के लिए? शौक से लाए। शौक से लाए जी। वहाँ आपका फार्म हाउस जो जी है WS टर्फ फार्म है, अपने दोस्त है वसीम भाई, उनके घोड़े ये करण भाई भटका नड़ियात का घोड़ा है जी। ये सारे नहीं सिंधी है? सब सिंधी है। सिंधी घोड़े ही रखते हैं आप? सिंधी घोड़े ही रखते हैं और रेवाल चाल में चलाते हम जी। तो ये इससे सिर्फ ये शौक पूरे होते हैं या क्या इससे? क्या शौक? शौक है हमको पहले से, रेसिंग का शौक है तो हम लेके आते हैं यहाँ पे हर साल। तो यूँ कहें कि इस मेले में जो है वो शौकीन लोग ज़्यादा है, किसी को बेचने खरीदने से ज़्यादा मतलब नहीं है? हाँ वो भी है, यहाँ के लोकल जो होते हैं वो बेचने भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग शौक से पार्टिसिपेट करने आते हैं रेस में। इस रेस के लिए स्पेशली आते जी हैं कि यहाँ पे जो रेस होती है जी उसमें हम भाग लेंगे? जी बिल्कुल, उसमें जीतेंगे। आपके कितने घोड़े रेस में आ रहे हैं? ये तीन घोड़े आ रहे हैं। तीन है? तीन घोड़े रेस में जी। बिल्कुल। क्या 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 उम्मीद लगा रखी है? जी मेहनत तो की है, अभी देखो क्या होता है, बाकी सक्सेस देना तो ऊपर वाले के हाथ में। थोड़ा सा ये बताएंगे जैसे अगर आप को ये घोड़ा जैसे बेचना होता है तो इसकी कीमत क्या होती है? घोड़ा तो अनमोल है, शौक की कोई कीमत नहीं होती है। शौक की कीमत नहीं होती? हाँ। जैसे कोई व्यक्ति जैसे खरीदता है बेचता है, इनकी क्या मतलब क्या रेट क्या होती है? अच्छा घोड़ा जो होता है जो रेसिंग जीता हुआ होता है वो 10 लाख के ऊपर होता है। रेस जीतने पर उसकी प्राइस? हाँ उसकी वैल्यू, सिंधी घोड़े की वैल्यू। हाँ रेसिंग जो जीतता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सिंधी घोड़े का बच्चा अगर ऐसे बड़ा हो गया ऐसे मतलब नहीं है, वो नहीं। कहीं पे रेस जीतेगा? हाँ नाम होगा तो यही तो काम होगा। नाम होगा तो यही काम होगा। इसका नाम क्या है? ये रफ्तार है। ये रफ्तार है, ये देखिए, और रफ्तार पे ही कीमत है। ये है सिंधी घोड़े की खासियत। थोड़ा दूर से हम निकलते हैं क्योंकि ये दौड़ने वाले घोड़े हैं, आगे पीछे दोनों तरफ से दौड़ सकते हैं। लोग निहार रहे हैं, यहाँ पर होने वाली खूबसूरत रेस भी देखेंगे। और ये देखिए सिंधी नस्ल की खूबसूरत घोड़े और घोड़ियाँ, यहाँ पर ये शानदार मेला सजा हुआ। और ये देखिए खूबसूरत अपने घोड़े लेकर के अभी अभी पहुँचे हैं। यहाँ पर होने वाली खास रेस और ख़ास सिंधी घोड़ों की यहाँ पर लगने वाले मेले के लिए लोग पहुँचते हैं। ये दुकानों की दुकान सजी हुई है। इसी तरह ये देखिए एक और खूबसूरत यहाँ पर घोड़े खड़े हैं। ये देखिए अपने खूबसूरत घोड़ों को घुमा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वार्मिंग कर रहे हैं। खूबसूरत घोड़ों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और बातचीत चल रही है घोड़े की। मोहम्मद खान, मोहम्मद खान मेरासी। ये आपका क्या घोड़ा? यह घोड़ा वीर सिंह सिर्फ छड़ा। अच्छा जी। तो यहाँ पर आप लेके आए क्या? हम लाए वीर जी, आप पधारे आप खुद। अच्छा आप भी पधारे, बड़ी रेस वाले। तो ये रेस के लिए आए हैं? रेस के लिए। अच्छा तो अभी जैसे इकट्ठा हैं, क्या बातचीत चल रही है? चल रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, बड़ी रेस में लगाएंगे। अच्छा तो नहीं यहाँ पर जैसे क्या कोई मोल भाव भी चल रहा है क्या? क्या है मोल भाव? चल रहे हैं मोल भाव भी चल रहा है जी। क्या मोल भाव चल रहा है? 11 लाख कह दे दिया। नहीं 11 लाख रुपए दे रहे हैं जी? देते नहीं, देते नहीं। कारण इसकी कीमत कम लग रही है या क्या? कम लग रही, देते नहीं। अच्छा ज़्यादा कीमत हो तो 11 से ज़्यादा हो तो दे देंगे। तो दे देंगे और तैयार करेंगे विजय घोड़ा घड़ा भी जाए दूसरा घोड़ा तैयार कर देंगे। तो ये घोड़ा रेस जीता हुआ भी है क्या? पहले जीता हुआ है। इसका घोड़ी ये तो वीर सिंह को मैंने दी थी, इसकी माँ और वीर सिंह हड्डा उसकी घोड़ी है। मेरा नाम महिपाल सिंह है, ये घोड़ा वीर सिंह जी अड्डा का है। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। घोड़ों का शौक जैसे कब से? घोड़ा का शौक घो 30 साल हुआ। 30 साल हूँ या पिताजी टाइम? पिताजी रे घोड़ा भी अता, मैंने भी शौक 30 साल है। अच्छा तो घोड़ा को शौक रहा के आप कहीं करो? घोड़ा चलाऊ, बेचो भी, बेचते भी है, दौड़ाते भी है, हमारे घोड़े बेचते भी है, सेल भी करते है और लेके आगे सेल करते थे। अच्छा तो पूरा आपने एक स्टेट फार्म बना रखा? हाँ स्टेट फार्म बना रखा हमारे यहाँ पर, गांव में ही है, पिथला गांव। हाँ कितने घोड़े हैं अभी हमारे पास? है 40 घोड़े। 40 घोड़े हैं अभी? हाँ 40 की स्पीड वाले घोड़े हैं, घोड़े होंगे आपके 10-20 घोड़े हैं। 10-20 घोड़े हैं और 40 स्पीड वाले? हाँ 40 स्पीड वाले, हाँ दौड़ वाले घोड़े। कौन सी नस्ल के रखते हैं? ये सिंधी, प्योर सिंधी नस्ल के रखते हैं, सिंधी नस्ल के प्योर। अच्छा ओनली सिंधी घोड़ों का ही प्यार करते हैं? हाँ सिंधी घोड़ों से ही हम लगाव करते हैं, सिंधी घोड़ों से रखते हैं। अच्छा ये देखिए सिंधी घोड़ों के जो खास प्रेमी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अपने घोड़ों को दौड़ करके वार्मिंग की जा रही है घोड़ों की,
और मज़ा लिया जा रहा है। घोड़ों को दौड़ाने से और घोड़ों से, सिंधी घोड़ों से विशेष प्यार करने वाले लोग यहाँ पर ज़्यादा संख्या में पहुँचते हैं और सिंधी घोड़ों के नस्ल के संरक्षण के उद्देश्य से ही ये मेला यहाँ पर सजाया गया है। ये देखिए किस खूबसूरती से घोड़ा दौड़ लगा रहा है। दौड़ दौड़ कर सबका दिल जीत रहा है। सिंध क्षेत्र से इन घोड़ों के नस्ल होने की वजह से इनको सिंधी घोड़े कहा जाता है। के लिए रेस के लिए स्पेशली इन घोड़ों को जाना जाता है और ये रेस यहाँ जैसलमेर के लाणिना रण में एक शानदार रेस का यहाँ पर आयोजित होता है मरु महोत्सव में। और यहाँ पर जानने की हमने कोशिश की इस रेस से संबंधित यहाँ पर एक मेला भी लगता है और बहुत सारे व्यापारी और ख़रीदार भी इस मेले में घोड़ों को ख़रीदने के लिए, बेचने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। लाणिना रण जैसलमेर से मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापत के साथ, आप सभी का धन्यवाद।